मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है, तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज और सारी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स हमेशा हमारे इस चैनल ड्राइव स्टडी पर मिलती हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये वीडियो जो है एमडीयू के छात्रों के लिए है, एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक। तो उसके जो जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि रिजल्ट से जुड़ी, एग्जाम से जुड़ी, एडमिशन से जुड़ी बहुत सारी अपडेट्स हैं, 4-5 ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए हैं, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहला जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजा है एमडीयू यूनिवर्सिटी ने, उसमें बात करी गई है एडमिशन से रिलेटेड। जी हाँ, तो एडमिशन जो है आपके जो पीजी के छात्र हैं उनकी बात है, जो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यूटीडीज और एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम और जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है, इन सभी के लिए जो एडमिशन है वो 1/9/2021 से शुरू हो रहे हैं। उनका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, तो यहाँ पर कोर्स दिखा देता हूँ, यहाँ पर कब से कब तक हैं ये भी दिखा देता हूँ। तो एक से, अभी मैंने आपको बताया, ये 1 सितंबर से लेकर जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 सितंबर 2021 रहेगी। अब कोर्स देख लीजिए कौन से हैं, तो एमएससी इन फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, ये सारे जो कोर्सेज यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी कोर्सेज में, ठीक है। फिर है एमए, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर सारे दिए गए हैं, देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट हैं एमए के। फिर है एमटेक, ये भी सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख लीजिए। फिर है एमफार्मा, यहाँ पर एमफार्मा, एमबीए, एलएलबी, मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, इन सभी कोर्सेज के। और साथ में यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय एमडीयू सीपीएस गुरुग्राम, तो इसमें भी एमबीए, एलएलबी, ऑनर्स, एलएलएम फर्स्ट शिफ्ट, एलएलएम सेकंड शिफ्ट, एमबीए एग्जीक्यूटिव, ये सारे कोर्सेज के एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें जो भी आप की मर्जी है। तो 1 सितंबर से एडमिशन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है 12 सितंबर तक। अब अगले अपडेट के बारे में बात करें इसमें, तो जो पीजी के छात्र हैं जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है, एडमिशन आप ले रहे हैं तो फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है या कोई और समस्या है, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करा है एमडीयू यूनिवर्सिटी ने। तो आप यहां पर देख सकते हैं कोर्स वाइज हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट है, ये आपके कोर्स का नाम है इस लाइन में, और यहाँ पर ये हेल्पलाइन नंबर दी गई है, ठीक है। तो आप इनका एक बार देख लेना, यहाँ पे ये देख लीजिए सारे जूलॉजी है, जैसे एग्जाम्पल जूलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें एमएससी जूलॉजी में जिसने भी एडमिशन लिया है, तो उसके लिए ये हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी डिटेल्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले कर रख लें, आप जिस भी कोर्स से जुड़े हैं उसका एक बार आप बाद में देख लेना हेल्पलाइन नंबर, और फिर जब भी ज़रूरत पड़े तो कॉन्टैक्ट कर लेना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ और नंबर भी हैं वो भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लें। अब अगला एक और भी पेज है वो भी दिखा दूंगा इसमें, ये एक और पेज, इसी में ये सारे कोर्सेज आप देखते रहना, ध्यान से अपने देख लेना अच्छे से जो भी आपका कोर्स है, ठीक है, उन सभी के हेल्पलाइन नंबर इसमें दिए गए हैं। तो चलिए अब बात करें अगले नोटिस की, तो अगला इम्पोर्टेंट जो नोटिस है वो यहाँ पे देख सकते हैं रीअपियर एग्जामिनेशन के बारे में है। यह नॉन यूनिवर्सिटी जो छात्र हैं, यूनिवर्सिटी से अलग जो छात्र हैं, एमडीयू के अंडर में जो आते हैं कोर्स, उनमें उनकी बात है ये, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं, ठीक है। तो नॉन यूनिवर्सिटी रीअपियर एग्जामिनेशन कौन से कोर्स हैं वो भी दिखा देता हूँ, जो सब्जेक्ट कौन से हैं, रेमेडियल मैथमेटिक्स, रेमेडियल बायोलॉजी और कम्युनिकेशन स्किल्स, तो इनके एग्ज़ाम है 2 सितंबर को और 3 सितंबर को होगा। तो यहाँ पे टीचर इंचार्ज हैं डॉक्टर मोनिका, यहाँ पे देख सकते हैं रेमेडियल मैथमेटिक्स की, रेमेडियल बायोलॉजी के लिए डॉक्टर मीनू, और जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके लिए भी डॉक्टर मीनू, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप इनसे एक बार फ़ोन करके पूछ लेना। अब अगले अपडेट के बारे में बात करें, तो ये रिजल्ट जारी करे हैं एमडीयू ने, 31 अगस्त को 2 कोर्सेज के रिजल्ट आए हैं, बीएससी होम साइंस जो 6ठा सेमेस्टर या फिर ईयर है, और मास्टर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट CBCS स्कीम 4था जो साल है या फिर सेमेस्टर है, इनके रिजल्ट जारी हुए हैं। इससे पहले भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं जो कि 30 अगस्त के डेट में था या फिर 28-27 उससे बैक डेट में जाते जाएंगे, ठीक है। तो उसकी पूरी लिस्ट वेबसाइट पर दी गई है, जाकर आप चेक कर लेना
ठीक है, तो लिस्ट लिंक जो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब एक और है यहाँ पे जो नोटिस लास्ट है, जो कि इसमें रिजल्ट डिक्लेयर जो हुए हैं आपके उसके बारे में बताया गया है कि 27/8/2021 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है MHMCT सेकेंड ईयर, जो 2 साल का जो कोर्स है उसमें चौथे सेमेस्टर का, यानी CBCS स्कीम में, और MTTM जो है 2 साल का कोर्स उसमें चौथे सेमेस्टर का, उसमें CBCS स्कीम, ठीक है। इन सभी के रिजल्ट भी आए हैं, तो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सभी रिजल्ट जितने भी आए हैं उसके लिंक है पूरा, उसमें एक लिस्ट दी गई है, ठीक है, वहाँ पर जाकर एक बार चेक कर लेना। ये पूरी अपडेट्स थी MDU के छात्रों के लिए। अगर अपडेट्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।